राधे राधे रैमली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आज स्वागत करते हुए इस चैनल पे, जो कि ये आपका ही खुद का चैनल है, स्वागत करते हुए इस चैनल पे हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आप देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है, मैं नीचे आ गई हूँ किचन में और अब मैं राजमा, जो आज का मेन्यू था राजमा, वैसे तो स्कूल वालों ने लिखा था राजमा राइस चपाती और राजमा राइस और चपाती और साथ में शायद एक ड्रिंक भी था, पर क्योंकि राजमा बने होते हैं राजमा के टाइम पे बच्चों को चपाती पराठा कुछ अच्छा नहीं लगता, आपको पता ही है। हमें भी इनफैक्ट अगर हमें भी रोटी दी जाएगी ना राजमा के साथ तो शायद हमें भी ना लगे, आपको भी पता ही है। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें ना चपाती तो बिल्कुल मत देना स्कूल में, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि चपाती दे दूँ या पराठा दे दूँ, कुछ भी मतलब आटे वाला। और जब बच्चे दोपहर में आते हैं वहाँ से स्कूल से वापस, तो मेरी कोशिश रहती है कि घर पे आके वो बेशक राइस खा लें, क्योंकि गरम गरम राइस होते हैं ना तो वो उनको उस टाइम पे खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। पर एनी हाउ, आपकी क्या राय रहती है इसके बारे में आप ज़रूर बताना कमेंट्स में, आप क्या खाना पसंद करते हैं, राजमा राइस, राजमा चपाती, राजमा पराठा या क्या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, यू नेवर नो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए ये आप देख रहे हैं कि मैंने वॉश कर लिया इनको, राजमा को अच्छे तरीके से। अब मैंने आरओ में से पानी लेके इस पर चढ़ा दिया है कुकर में, और चढ़ाने के बाद अब मैं इसमें स्टार्टिंग में जब बॉयल करती हूँ ना मैं, तो हल्का सा सॉल्ट डालती हूँ। आप डालते हैं या नहीं आप प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं। फिर उसके बाद थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मसालदानी में से मैं निकाल ही रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं हल्दी डाल देती हूँ। इनके दोनों चीज़ों के डालने के बाद करना क्या होता है, बस कुकर में सीटी, वो आप भी करते होंगे। तो अब मैं इसकी लिड लगा देती हूँ और देखती हूँ कि कितने टाइम तक इनमें सीटियाँ आती हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, थोड़ा टाइम लग जाएगा कि ऑल दो मैंने ओवरनाइट सोक कर दिए थे राजमा, पर टाइम लग जाएगा इनमें सीटी आने में। ये पुराना वाला कुकर है, मैंने बताया हुआ है आपको कि इसमें मुझे चिमटा फंसा के सीटी लानी पड़ती है, क्योंकि दोनों कुकरों का काम था ना, आज काम था इस कुकर का भी और दूसरे में राइस बनने थे, तो राइस बनने के लिए भी दूसरा कुकर चाहिए था। अब आप देख रहे हैं ये लिड फिट नहीं हो रही, तो मैंने ये दूसरी लिड लगाई है जिसमें चिमटा लग पाएगा, तो इससे थोड़ा सा टाइट हो जाता है इसका हैंडल और सही से फिर सीटी आ जाती है। ये बर्न कर दिया है, अब चावल तो इजीली बन ही जाएंगे, चावलों में तो बस कुकर में ही वॉश करने हैं। वाइट राइस बनाती हूँ साथ में, क्योंकि नमकीन राइस ना खाते ही नहीं है हमारे घर में, राजमा के साथ प्लेन राइस ही सब पसंद करते हैं, तो वही कंटिन्यू करते हैं। अब आइए दिखाती हूँ आपको। जब तक इस कुकर में सीटियाँ आएंगी तो क्यों ना तड़के की तैयारी कर लूँ। अब प्याज आपके सामने रख दिया है, लहसुन भी रखना पड़ेगा क्योंकि लहसुन आराध्या को ज़्यादा पसंद होता है। टमाटर की मैं थैली ले आई, क्योंकि एक एक टमाटर फ्रिज में से निकालने में ना बड़ी आफत हो रही थी, तो मैं सीधा पूरी पॉलोथीन ले आई और इसमें से टमाटर मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद ये लहसुन की बारी, लहसुन ऑल दो मुझे पता है शादी से पहले लहसुन अच्छा ही नहीं लगता था, पर क्योंकि अब आराध्या को भी लहसुन पसंद है, हस्बैंड को भी लहसुन पसंद है, तो धीरे धीरे खाना ही पड़ता है, यू नो। अब यही देख रहे हैं लहसुन बीनते हुए, लहसुन छीलते हुए, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने ढूंढा, मुझे दूसरा कुकर नहीं मिला, तो अब इसलिए इस पैन में ही मैं अब राइस दिखा रही हूँ ना आपको, तो पैन में ही राइस बना लेती हूँ। मुझे लगता है वो कुकर ना धोने में गया हुआ है, जब शीला आंटी आएंगी धोएंगी बर्तन तो जब पता चलेगा, वो नीचे दब गया होगा बर्तनों में, वो जो मुझे दिखाई नहीं दिया। पर एनी हाउ, पैन में भी ओपन जो राइस बनते हैं वो अच्छे ही बनते हैं, तो ओपन राइस बना लेती हूँ। अभी इनको भी वॉश करना, आपको पता है वॉश का थोड़ा सा सनक है मुझे, मैं वॉश में ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि पहले अच्छे से वॉश कर लें फिर उसके बाद ही हम चढ़ाएँ, तो ये करते हुए।
आपने पीछे भी देखा है और अभी भी देख ही रहे हैं कि मैंने प्याज अदरक तो सॉरी थी नहीं, प्याज लहसुन टमाटर इनका पेस्ट बना रही हूँ क्विकली। वैसे अगर अदरक होती है ना तो अदरक से और अच्छा फ्लेवर आता है राजमा में, पर अदरक गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और गर्मियों में अदरक हम अवॉइड ही करते हैं, हम खाते ही नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा ही गर्मी होती है और मुझे ना थोड़ा सा अगर मैं अदरक खा लेती हूँ तो मुझे पेट में बहुत जलन होने लग जाती है। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि अदरक तो आपको खानी नहीं है, पर सर्दी में ना मैं फिर थोड़ा सा चीट टी शुरू कर देती हूँ। मुझे लगता नहीं यार, जब तक अदरक नहीं गई ना मुझे लगा ही नहीं है कि मैंने चाय पी है, तो मैं थोड़ी सी चुटकी भर अदरक वो कर लेती हूँ, मतलब समझ लो छुपा के डाल ही लेती हूँ चाय में, और हस्बैंड को पता नहीं होता तो मुझे पता नहीं होता मैं, लेकिन चलती से कर लेती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ, किसी और को बताना मत। ये सारे जो पेस्ट हैं जो मैंने उसे कद्दूकस से किए हैं, प्याज टमाटर और लहसुन, इन सबको मैं अलग से फ्राई कर लूँगी अलग इसमें। कढ़ाई आपने देख ही लिया है कि मैंने कढ़ाई निकाल लिया, ये भी बर्तनों में गई हुई थी धोने के लिए, पर इसके बिना कुछ होना नहीं था तो इसको धो लिया मैंने। कभी कभी जब सारे बर्तन सिंक में चले जाते हैं ना धोने के लिए, आंटी के आने का वेट नहीं कर सकती तो मजबूरन फिर वो धोने पड़ जाते हैं, इसलिए ये मैंने अब धो के चढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या करना है वो आपको पता ही है, इसको हम जो पेस्ट बना हुआ है उसको हम फ्राई करेंगे। इधर मैंने चावल बीच में रखे हुए हैं, कुकर की वजह से आपको वो दिख नहीं रहे हैं, पर तीनों गैसेस चल रही हैं तो इजीली अच्छे से जल्दी बन जाएगा काम। ये जो अभी मैंने हैंडल पकड़ा था ये मैंने चावलों का ही पकड़ा था। इधर चिमनी ऑन कर दिया मैंने, रिफाइंड वो ऑयल डाल रही हूँ, रिफाइंड आपको पता है कि हम यूज़ नहीं करते हैं तो इसलिए तेल को थोड़ा सा पकने देते हैं जब तक ये नीचे जो डस्ट मतलब गार्बेज गिरी हुई है, जैसे प्याज के छिलके, टमाटर के छिलके और जो लहसुन के छिलके, इन सबको मैंने अलग पन्नी में डाल के नीचे की साइड रख दिया है। आंटी अपने आप करेंगी और थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, प्लेटफॉर्म क्लीन ना थोड़ा अच्छा ही लगता है वरना बेकार। ये मैं आपको दिखाते हुए, ये रहा टमाटर का पेस्ट, ये रही प्याज उधर कोने में और लहसुन। ये फ्राई पैन का अब मैं दिखा रही हूँ आपको, फ्राई पैन में चावल चढ़े हुए हैं, ये ऑयल मैंने रख दिया, उधर कुकर में सीटियाँ आ रही हैं। अब ये सब्जी तैयार है, ये भी तैयार, पेस्ट डल जाएगा उसमें। अब दोपहर में जब ये आई है क्षितिजा तो बोल रही है कि मम्मी मैं बना लूँ एक रोटी, छोटी सी रोटी मुझे बनानी है खुद। पता नहीं आजकल इसको कुछ ज़्यादा ही चाम चढ़ा है रोटी सीखने का, यही मुझे लगता है थर्ड क्लास ही होती है, थर्ड और फोर्थ क्लास में ही गर्ल्स को ना ये होता है कि मुझे भी रोटी बनानी है, मुझे भी सीखना है चपाती बनाना। पर क्योंकि आराध्या को भी थर्ड फोर्थ के टाइम पे ही वो बोलती थी रोटी बनानी है मम्मी, रोटी बनाना सीखना है, पर मार्थ भी आया है कह रहा है मैं भी सीखूँगा, इसकी हेल्प कर देते हैं है ना दोस्तों, चलो इसकी हेल्प करते हैं सिखाते हैं इसको। गुड नाइट दोस्तों, ये परमार्थ जरूर आता है आपको। गाइस सुन लो इसकी बात, फिर बात करो, उसको याद कर दे दो। हां गुच्ची, हां देखो देखो, हां दिखाओ दिखाओ दिखाओ, यू हैड शोन देम अर्लियर बेटा, देखो कितनी अच्छी बोतल है ना, कौन सी है, कैप्टन अमेरिका है ना, है? देखो देखो बताओ कैसे खुल रही है, देखो ऐसे, अब सबने बोल दिया अच्छा है ठीक है, अब गुड नाइट, अब देखो ऐसे घुसता भी है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गाइस 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 बाय बाय गाइस गाइस गाइस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले है ना काका, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं एक चीज कहता हूं, देखो याद कर, चलो मिलते हैं तो, हाँ 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 याद आ गया कि आपने मेरी
अलमारी देखी है, कुछ नहीं है उसमें, ऐसे टॉयज वॉयज फैले हुए नहीं है। हाँ ठीक है, असेंबल करी हुई है ना। चलो बाय 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 बाय।